असां प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज मीर। अॼु जहिड़े तरीक़े सां वकीलनि जे तरफ़ां हिकिड़ो हमिलो थियो आहे ऐं तशद्दुद थियो आहे डॉक्टर्स ते। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ते हमिलो जेको थियो आहे उन ते सभिनी एतज़ाज़ अहसन साहब बि उनजी मुज़म्मत कई आहे ऐं फयाज़ुल हसन चौहान साहब ऐं उनखे बि तशद्दुद जो निशानो बणायो वियो आहे ऐं उन सां गॾु आसिफ ज़रदारी साहब जी ज़मानत मंज़ूर थी वई आहे। उनखां पोइ हिकिड़ो तासुर जुड़े थो, इहो तासुर जुड़े थो त छा आसिफ ज़रदारी साहब बि ॿाहिरि इलाज कराईंदो, उहे बि ॿाहिरि वेंदा। ऐं उनखां पोइ गवर्नर राज जूं ॻाल्हियूं थियनि थियूं, हवा जे रुख तब्दील थियण जी नेव ज़िक्र करे थी त हाणे हवा जो रुख तब्दील थींदो। BRT जी बि ॻाल्हि कई वई ऐं ॿियनि केसिस जी, मालम जब्बा जी बि ॻाल्हि कई वई। उनखां पोइ वरी वफ़ाक ऐं सिंध आम्हूं साम्हूं थी, कुझु MPAs कुझु ज़िमेदार आहिनि जेके तहरीक इंसाफ़ जा आहिनि, उहे गवर्नर राज जी ॻाल्हि करनि था, फॉरवर्ड ब्लॉक जी ॻाल्हि करनि था। छा फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी में ठही चुको आहे? ऐं तासुर आहे आसिफ ज़रदारी साहब खे जहिड़े तरीक़े सां रिलीफ कयो, आसिफ ज़रदारी ॿाहिरि कोन वेंदो इलाज लाइ चयो थो वञे, पर नवाज़ शरीफ खां पोइ तासुर अञा ताईं डील ऐं ढील जो आहे। किथे न किथे का अंडरस्टैंडिंग थी आहे उन जे तहत उहो वेहंदे ॻाल्हि पंहिंजे स्टीम दावरी आहे। मोहतरम जनाब डॉक्टर सुराब खान सर की PP MPA मिनिस्टर रही चुका आहिनि, MPA रही चुका आहिनि, सीनियर रहनुमा आहिनि, सीनियर पार्लियामेंटेरियन डॉक्टर साहब, तव्हांखे वॾी महिरबानी मीर साहब। सर अॼु जेको इहो पंजाल थियो, जेको लाहौर जे अंदरि वाक़िआ तव्हांखे पाण ख़बर आहे, अफ़सोसनाक वाक़ियो आहे, हलाकतूं बि थियूं आहिनि दिलि जी हॉस्पिटल ते जहिड़े तरीक़े सां वकीलनि कयो, छा चवंदुमि? वॾे अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे। मां पाण डॉक्टर आहियां, डॉक्टर जे पेशे ते अहिड़े तरीक़े सां वकील जेके माना उहे कानून जा इहे मुहाफ़िज़ सॼा वेंदा आहिनि, उहे वञी करे हमिलो करनि, इंतिहाई सख़्तु अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे। मां उनखे पुरज़ोर लफ़्ज़नि में उनजी मज़म्मत कयां थो, वॾी ज़्यादती कई अथऊं, उनखे इहो कानून हथ में न खणणु खपे। ऐं इहो मीर साहब मां तव्हांखे ॿुधायां त असां, मां पाण हिते सिंध में स्टैंडिंग कमेटी हेल्थ जो चेयरमैन आहे, असां अहिड़े क़िस्म जो हिते बिल उन जी डिस्कशन कई, असां जी जेकी आहे ज़ेबिस्ट वारनि कई, उन ॿियनि कुझु मिली करे असां इनशाला ताला हिते त अहिड़े क़िस्म जो कानून आणियूं था त अहिड़े क़िस्म जो तशद्दुद डॉक्टरनि जे तरफ़ां बि न थिए ऐं ॿियो ॿाहिरियों माण्हू बि अची करे डॉक्टरनि ते तशद्दुद न करे। वॾी इंतिहाई अफ़सोसनाक जेकी सूरत हाल आहे, फेसबुक ते मीडिया ते अचे थी, इन जी मज़म्मत करे सघिजे थी। ऐं मां ईअं सम्झां थो त इहो हिकिड़े लिहाज़ सां गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो फेल्यूअर बि आहे। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त 24 कलाक अॻु में इहो मामिलो जेकी ख़बर पई आहे मूंखे हले पियो, त उनखे सही तरीक़े सां हैंडल करे न त शायदि इन्हीं जंहिं मंज़िल ताईं इहा ॻाल्हि पहुती आहे न पहुचे आहे। बहरहाल अफ़सोस जहिड़ी ॻाल्हि आहे ऐं जेके बि आहिनि सिविल सोसाइटी या आम माण्हू या पॉलिटिशियन या वकील कंहिं बि शोबे सां जेको बि माण्हू तालुक़ु रखे थो, मुंहिंजे ख़्याल में उनखे पंहिंजी पंहिंजी जेकी ज़िमेवारी आहे उहा पूरी करणु खपे ऐं ईअं कानून हथ में न वठणु खपे। वॾी ज़्यादती थी आहे, मां ॿुधो आहे त कुझु जेके उते ICU में पेशेंट्स आहे वीचारा उहे बि मरी विया आहिनि ऐं वॾो हिकिड़ो अफ़सोस वारो मक़ाम आहे। ऐं जेके पढ़ियल लिखियल जेके माशिरो आहे उन में अहिड़े क़िस्म जी जेकी सूरत हाल पैदा थिए ऐं तव्हां पाण ॾिठो त एतज़ाज़ अहसन असांजो आहे सीनियर अॻवान, पाण वकील आहे, उन बि जीअं तव्हां चयो त उन इन जी पुर ज़ोर मज़म्मत कई आहे पुरज़ोर लफ़्ज़नि में, मां बि मज़म्मत कयां थो। ठीकु आहे डॉक्टर साहब, आसिफ ज़रदारी साहब जी ज़मानत थी वई आहे तिबी बुनियादनि ते, मेडिकल ग्राउंड्स ते थी आहे, पर तासुर जुड़े थो डील जो, ढील जो ऐं ॿाहिरि वञण जो, त बाबा आसिफ ज़रदारी साहब बि ॿाहिरि वेंदो। सभ खां पहिरियों त जेके बि तव्हांजा ॿुधंदड़ आहिनि, ख़ासि करे असांजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जमहूरियत जा जेके हामी आहिनि, मां सभिनी खे मुबारकबाद पेश कयां थो पंहिंजे तरफ़ां त आसिफ अली ज़रदारी साहब खे रिलीफ मिलियो आहे। तव्हांजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में असां इहा हमेशह इहा ॻाल्हि कईसीं बि साईं, अंदरि डिस्कशन बि आहियूं, मां बि आयुमि, ॿियूं बि असांजा पार्टी जा रहनुमा आया ऐं तमामु सुठी ॻाल्हि आहे। ऐं मां पाण हाणे थोरी देरि अॻु में कलाक ॿ अॻु में अदी फरियाल टालपुर साहब सां गॾु हुयासीं, असां उते गॾिजी करे मिठाई बि विराईसीं सिंध असेंबली में, ऐं इहो तासुरु बिल्कुलु मां तव्हांखे ॿुधायां त बिल्कुलु इहो तासुरु न वठणु खपे ऐं इनशाला ताला आसिफ अली ज़रदारी साहबु ॿाहिरि कोन वेंदो, हिते ई इलाजु कराईंदो ऐं उन पहिरियों बि इहा ॻाल्हि कई, बाक़ी हाणे उनखे इलाजु कराइण जो ज़रूरु हक़ु आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा तव्हांखे ॿुधायां त आसिफ अली ज़रदारी साहब ते जेके बि अॻे बि इल्ज़ाम लॻा आहिनि, 11 साल मां सम्झां थो हिन पूरे पाकिस्तान जी तारीख़ में कोई बि एॾो सियासतदान नाहे। शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे सां त ज़ुल्म थियो, उनखे फांसी ते चाढ़े वियो,
पर जेको लॉन्ग पीरियड के लिए वध में वध जैसे को मू जेल में रो आसिफ अली जरदारी साहब रो पा दिठो तो अल्लाह की मेहरबानी से काफ़ी साल जेल में रहने को आसिफ अली जरदारी साहब बाइज्जत बरी थो हाँ भी तान दिठो त मेडिकल ग्राउंड्स भी पाँच जगह थे पर जड़े तरीके से मुख्तलिफ़ असाजे लीडरन जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जैसे तालुक है डॉक्टर आसिम तबर आ अरबन खरबन रुपये की गाल कई वही तो उन्होंने करप्शन जहाँ केसिस इल्ज़ाम लगा का भी उन्हें का भी शे साबित न थी अड़ी तरह बया भी कुछ आज जो उन्होंने अड़े किस्म जहाँ इल्ज़ाम लगन था इनशाला तला आसिफ अली जरदारी जी बेल थी आ या 17 तारीख से अद्धी फरियाल टलपुर साहब आज भी आए बेल लगल उम्मीद है तला कौन उन बेल थी वी कोई अड़े किस्म का तासुर ना है जैसे का अड़ी का डील या डूल या कें भी किस्म की गाल था वह जैसे मिली होंगी मैं खबर ना है उनकी तस्दीक या तरदीद नवाज शरीफ के लिए चई बिल्कुल गुजारिश क्या बिल्कुल इन्हीं ही गल तो डील या डूल या जेके भी किस्म की कें भी किस्म की नरमी वह जैसे थी या थी होंगी मुमकिन आनी तो सही कन्फर्म ना वह उन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से थी होंगी पर मैं यो तक बुधा तो जैसे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जैसे अगे ऑलरेडी यो माना सजा भी आयल ही उन्हीं के जैसे रिलीफ मिलो 100% अस पॉलिटिकल वर्कर आयो पा तक खबर आ सियासत क्यों था 100% का जवाब को हाँ आसिफ अली जरदारी साहब के वध का जेल में रखने जो जैसे खुदा न खास्ता का नरमी मिली भी है या का गाल डील डूल जी थी भी है वह मुमकिन है उन्हें मां तस्दीक नथो क्या वह नून लीग वारन के मिली हुए असा के टोटली मेरिट की बुनियाद से यो तासुर तो खत्म थो पंजाब और सिंध जो जेको तासुर दिनो थोने नवाज शरीफ बाहर वे जरदारी साहब के रिलीफ मिलियो एको तासुर यो जुड़ियो चौधरी शुजात हुसैन साहब भी चो तो यो फर्क न रखियो वने एको तासुर थो वने असा तो ताके पाण खबर आ अल्लाह की मेहरबानी से जदे पाकिस्तान 1947 में ठयो उन्हीं को अग में भी असा जा वडा इवन जो भुट्टो खानदान हो जे बिया को खोड़ खानदान जो पूरे सिंध के अंदर जो किरदार अदा कर पाकिस्तान जो रेजोल्यूशन सिंध असेंबली में पास करायो वाहिद पाकिस्तान की मान हिंदुस्तान की असेंबली पूरे मुतहद हिंदुस्तान की जै रेजोल्यूशन पास कर उन्हीं में असा तो हमेशा जो किरदार अदा किया वो सुठो किरदार अदा किया सियासी किरदार अदा किया इखलाक तमीज़ के दायरे में रही मुल्क की खिदमत कई है हतुल इम्कान कोशिश कई है तो मुल्क के मजबूत कजे पाकिस्तान जो आइन हुए या जो 18 अमेंडमेंट हुए या बया जो मसला मसाइल कुछ अड़ा मानू आहन या ये समझदा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुदा खासा जो सुठो नथी करे पर वक्त उन्होंने वरी बुधाइन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जी सियासत आ वह प्रो पाकिस्तान आ पाकिस्तान की हिमायत वाली सियासत आ पाकिस्तान के स्ट्रेंथ न मजबूत करण वाली सियासत आ वह सियासत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई है इनशाला तला तुम पा दिठो तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी वही जुल्फ़कार अली भुट्टे के फांसी से चाढ़ियों वो भुट्टो साहब के उन्हीं के बावजूद आसिफ अली जरदारी के जेल में रखियो वो कदें भी तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अड़े किस्म की का भी माना ज़रूर जो उन्हीं टाइम से हुकूमतू होंदियों या एस्टेब्लिशमेंट है उन्हीं के ज़रूर अस टारगेट कंदा जो इदारा हूँ उन्होंने टारगेट कंदा खुदा न खास्ता पाकिस्तान के खिलाफ़ कें भी अज ताई भी कें भी जबान मौको ठीक है सर जेके भी जेल में जरदारी साहब जेल में हुए जी आसिम की गाल कई जी शर्जील की गाल कई जी फरियाल टालपुर साहिबा की कई अवाम के अंदर हमदर्दी कोन हुई सब सब समझन पाया तो न अवाम के करे न जमहूरियत के करे न पार्टी के करे जेल के अंदर आन उ सब केसिस करप्शन जहाँ केसिस इंक्वायर उन सब कुछ तभी जेल के अंदर अवाम के लिए को बिल्कुल मैं एक गाल बुदा तो तारो जो क्वेश्चन आ बिल्कुल यो टू द पॉइंट हुए वो तदें यो क्वेश्चन जो तुम वैलिड हुए जो पीटीआई जो वजीर इवन प्राइम मिनिस्टर अची कर उन्हीं जो तकरीर करें पो या जो बाकायदे टारगेट बढ़ाए कर चे पो मैं इन छींदुम मां अगे भी तक यो अर्ज किया हाँ भी मैं यह गाल क्या तो प्राइम मिनिस्टर जो यो कम को जैसे का भी मिसाल मां गलत आया या एक्स वाई जेड कोई भी गलत है वो जो इदारा उ कम करन जो कम करन था उन्हीं जो क्रेडिट हे अची खन था हाँ एक को नंढा हूँ मां सखर में पढ़दम तो असा पी टी वी होंगी उन्हीं टाइम से एक रात जो प्रोग्राम इंदो जुल्म की दास्तान
उहो असां ॾिसंदासीं जेको जनरल ज़िया जे दौर में मसां हे ज़ुल्म थियो, हे मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके प्लांटेड माण्हू अची करे उहे पंहिंजे ज़ुल्म की दास्तान ॿुधाईंदा। मसिलो इहा त पोइ तव्हां पाण ॾिठो त उन मुल्क जे माण्हुनि उन एस्टेब्लिशमेंट उन्हनि जजनि ज़ुल्फ़िकार अली भुटे जे लाइ, भुटे साहिब जे लाइ जेके अल्फाज़ इस्तेमालु कया ऐं उन्हनि चयो त उन सां वॾी ज़्यादती थी आहे। अलामा इक़बाल जे पुट उन जेके स्टेटमेंट ॾिनी मां टीवी ते ॿुधी, हाणे बि तव्हां बि ॿुधी हूंदी, उन जा जेके अल्फाज़ आहे शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुटे साहिब जे लाइ उहे बि तव्हांजे साम्हूं आहिनि। मसिलो इहा त हिते इहा मां हाणे बि इहा ॻाल्हि कयां थो त सम्झण जी ॻाल्हि आहे त उन में जेको इमरान ख़ान जेकॾहिं इन जी वाह वेला न करे हा ऐं उनखे पाण कैश कराइण जी कोशिशि न करे हा, पाण नैब पंहिंजो कमु करे हा त माण्हू बि सम्झनि हा त वाक़ई इहा जेकी आहे करप्शन थी आहे ऐं उन जी बुनियाद ते हुननि खे ठीकु आहे। डॉक्टर साहब ब्रेक जो टाइम थियो आहे। आसिफ़ ज़रदारी ज़ुल्फ़िकार अली भुटो न आहे जो तव्हां कंपेयर कयो था आसिफ़ ज़रदारीअ खे जेको आहे ज़ुल्फ़िकार अली भुटो। ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे, ड्राइंग रूम जो पौला पॉलिटिशियंस आहे, ज़रूरु जोड़ तोड़ करे थो। फरियाल टालपुर खे बीबी सां कंपेयर नथो करे सघे, बेनज़ीर साहिब सां कंपेयर नथो करे सघे, ॿिन्हिनि शख़्सियतुनि खे नज़र। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ था अचूं। वेलकम। हा सर, त किथे कंपेयर कयो था सर? किथे आसिफ़ ज़रदारी, किथे ज़ुल्फ़िकार अली भुटो, किथे फरियाल टालू, किथे बीबी शहीद, बेनज़ीर साहिब? मां कॾहिं कंपेयर कयो? असां ॾिसो न, असांजा असां त उहे सभु जेके बि इन जे शख़्सियतुनि जा जेके बि आसिफ़ अली ज़रदारी, अदी फरियाल टालपुर इनक्लूडिंग ॿिया जेके बि आहिनि, असां सभु उन्हनि जा त कारकुन आहियूं, वर्कर आहियूं। असां कंपेयर त कोन कयोसीं अलाह पनाह ॾे, ॿिया मुख़्तलिफ़ माण्हू कंपेयर कंदा आहिनि। असां हाणे असां उन्हनि जो नालो बि वॾे तमीज़ ऐं अदब सां खणंदा आहियूं, त कंपेयर त सुवाल ई पैदा नथो थिए। कोई बि असां कंपेयर नथा करे सघूं कंहिंखे बि। हा, बिलावल भुटो साहिब जो जेको आहे उहो मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जो पुटु आहे, आसिफ़ अली ज़रदारी जो पुटु आहे, उहा उन जी हिकिड़ी पोज़ीशन आहे, उहा जेकी आहे। ऐं आसिफ़ अली ज़रदारी मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिब जो वर आहे ऐं उन जी हिकिड़ी पोज़ीशन आहे। अदी फरियाल टालपुर साहिब जो बि हिकिड़ो पंहिंजो हाणे ज़ाहिर आहे, जेको आहे उनजो हिकिड़ो सियासी किरदारु आहे, उन्हनि जो पंहिंजी जाइ ते। इहे जेके बि सभु आहिनि, इनक्लूडिंग मां चवां थो असांजो चेयरमैन बिलावल भुटो साहिबु, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुटो साहिबु ऐं मोहतरमा बेनज़ीर भुटो जा कारकुन आहियूं असां। कोई कंपेरिज़न न आहे। सर, छा सबबु आहे जीअं बीबी साहिबा, जीअं भुटो साहिबु, बीबी साहिबा खे जीअं वठूंदा, चइनी सूबनि जे अंदरि पापुलर हुई, ज़ंजीर हुई, बिलावल साहब न थी सघियो आहे, उन पंहिंजो वोट पैदा न कयो आहे, आसिफ़ ज़रदारी वोट पैदा न कयो, आसिफ़ ज़रदारी जी पॉलिटिक्स, फरियाल टालपुर जी पॉलिटिक्स पीपल्स पार्टी खे नुक़सान ॾिनो आहे, पीपल्स पार्टी खे कमज़ोर कयो आहे, पीपल्स पार्टी खे सिंध ताईं महदूद कयो आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जॾहिं बि हुकूमत मिली आहे, मर्कज़ में बि मिली आहे, तव्हांखे ख़बर आहे बदक़िस्मती सां असांखे पंजाब में हुकूमत न मिली आहे। पंजाब हिकिड़ी वॾी माना हिकिड़ी फील्ड आहे, हिकिड़ो वॾो एरिया आहे, वॾो प्रोविंस आहे, जेकॾहिं टई सूबा गॾिजनि त पोइ बि जेकॾहिं पंजाब हिकिड़ी पार्टी जेकॾहिं खटे त उन जी अक्सरियत वधीक थिए थी। असां बदक़िस्मती सां तव्हां पाण ख़बर आहे, उन में मां ईअं चवंदुमि त एस्टेब्लिशमेंट जो वॾो कमाल आहे। एस्टेब्लिशमेंट हमेशह इहा कोशिशि कई त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे पंजाब न मिले, ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे जेकॾहिं पंजाब में हुकूमत मिले आहे, ऐं जहिड़ी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो क़याम बि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुटे लाहौर में विधो, जेकॾहिं उनखे सही तरीक़े सां हिकु दफ़े बि माना हुकूमत मिले आहे शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुटो खां पोइ, त अॼु सूरत हाल ॿी हुजे आहे। बहरहाल, ऐं जॾहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिबु आई हिते मुल्क में, भुटे साहिब खे फांसी ते चाढ़ियो वियो, शहीद कयो वियो, उन बि हिते महिनत कई, स्ट्रगल कई, ऐं बिलावल साहिबु बि हाणे 11 साल उन स्ट्रगल कई आहे, पूरे हिकिड़े ॻोठु घर झर झंग वञे थो, ऐं जेके पुराणा जंहिं मोहतरमा बेनज़ीर भुटो साहिब सां जेके माण्हू रहिया ऐं उन में मूंखे बि इहो एज़ाज़ु हासिलु आहे त असां मोहतरमा बेनज़ीर भुटो सां मां एज़ अ जनरल सेक्रेटरी ज़िले जो बि कमु कयो ऐं प्रेसिडेंट बि कमु कयो, एज़ अ एम पी ए बि कमु कयो। त असां उन खे जॾहिं बि असांजी मीटिंग थींदी आहे त असां उन खे पंहिंजे चेयरमैन खे इहो अर्ज़ु रखंदा आहियूं त सभ खां वधीक जेको हथियार आहे ताक़त वर, जीअं भुटे साहिबु चयो ताक़त सरचश्मो अवाम आहे, तव्हां हिकु ॻोठ में वञो, तव्हां सिर्फ़ु जेको आहे जलसा ते ई न, पर मोहतरमा बेनज़ीर भुटो, शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुटो, तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जेके ग़रीब वर्कर हूंदा उन्हनि जे उज़रनि ते बि वेंदा, उन्हनि जी शादियुनि में बि वेंदा, ऐं जॾहिं बि कंहिं ज़िले जे अंदरि कोई प्रोग्राम रखंदा त कोशिशि कंदा त जेके बि उन्हनि जा वर्कर आहिनि कंहिं न कंहिं तरीक़े सां उन्हनि जे घरनि ताईं बि वेझे,
ऐं बिलावल साहब उन पैटर्न ते हले पियो इनशाला ताला तव्हां ॾिसंदा जो वॾी लकी जमात आहे पीपल्स पार्टी जीअं पंजाब जे अंदरि नू लीग जीअं पंजाब जे अंदरि तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान उहे पॉपुलर आहिनि सुठियूं पार्टियूं उते साबित थियनि थियूं पीपल्स पार्टी खे उते वोट न मिलियो जेकॾहिं जी डी ए अहिड़ी हुजे आहे फंक्शनल लीग अहिड़ी हुजे आहे नू लीग कमु करे आहे तहरीक इंसाफ़ अची आहे त पीपल्स पार्टी खे सिंध में बि शिकस्त थिए आहे अल्टरनेटिव मयारी न आहे मुतबादिल गैर मयारी आहे इन जे करे सिंध जे अंदरि तव्हां आयो हुजो त इहो त हाणे कुझु माण्हुनि जो ख़्यालु आहे तव्हांखे पाण ख़बर आहे त जेके बि माना ईअं खणी चवजनि त चीदा सियासतदान बर्ख सियासतदान या जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मुखालफ़त में जेके बि पार्टियूं रहियूं आहिनि उहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे ख़िलाफ़ु रहियूं आहिनि तव्हांखे पाण ख़बर आहे 2013 वारी इलेक्शन तव्हां पाण मॉनिटर कई हिकु ॾींहुं तव्हां बाक़ाइदे कलाकु कलाकु माना मिनट तव्हां सॼा उनखे कयो त केॾो वॾो हिकिड़ो इताद ठहियो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे मुक़ाबले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलहमदुल्ला सिंध में स्वीप कयो ऐं ईअं बि नाहे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वन वे हले पई मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ पार्टियुनि खे मौक़ो मिलियो आहे जी डी ए ठही SDA ठही उनखे बि चीफ मिनिस्टर मिलियो जाम सादिक चीफ मिनिस्टर आयो लियाकत अली जतोई साहिब चीफ मिनिस्टर आयो उन खां पोइ काफ़ी जेके आहिनि अली मोहम्मद ख़ान सरदार अली मोहम्मद ख़ान मार चीफ मिनिस्टर रहियो पर तव्हां ख़बर आहे त पोइ माण्हू इन शइ खे कंपेयर करनि था चवनि था त हिननि केतिरी कारकर्दगी कई उन जे बरक्स उन जे मुक़ाबले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी रिज़ल्ट छा आहे उते इहो आहे ख़बर आहे तव्हां उते हिकिड़ो वॾो माना हिकिड़ो उते उहे जेके आहिनि ज़हनी तौर ते जेके बि आहिनि जेके उते खटे अचनि था उहे ज़हनी तौर ते वॾेरा आहिनि सरदार आहिनि जागीरदार आहिनि या पीर आहिनि ऐं उन्हनि जे ज़हन में इहो आहे उहो उन्हनि जो सही जेको कॉन्टेक्ट आहे ग़रीब माण्हू ताईं आम माण्हू ताईं उहो नाहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा जेके बि आहिनि चाहे उहे वॾेरा ई आहिनि शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाण वॾेरे जो पुटु हो पर उन जी जेकी सोच ज़हनियत हुई उहा अवामी हुई ऐं ग़रीब परवर हुई ऐं ग़रीब माण्हुनि सां मुहबत करण वारी अवामी ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी ट्रेनिंग इहा आहे त जे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे करे मिनिस्टर हूंदो तव्हां सेक्रेटरी में वेठो हूंदो तव्हां दर खोले करे हलिया वेंदा वे ऐं कोई चवंदो त हिकिड़ो आम वर्कर वेंदो अंदरि उहो ईअं चवंदो त अॼु तूं जेकॾहिं इन कुर्सी ते वेठो आहे त असांजे करे वेठो आहे वर्करनि जे करे वेठो आहे आवाम जे करे वेठो आहे ऐं इन जे करे तोखे असां खटाए करे उन कुर्सी ते वियो आहे इहा ज़रूरु डिफरेंस आहे पीपल्स पार्टी में मैरिट न आहे अॼु जीअं बेनज़ीर साहिबा जे वेझो तव्हां रहियो अॼु तव्हां बि सीनियर पार्लियामेंटेरियन आहियो ॿ धड़ा आहिनि ॿ ग्रुप आहिनि या त CM सिंह जे वेझो हुजे या फरियाल टालपुर साहिबा जे वेझो हुजे सुहेल अनवर सियाल इन जे करे मिनिस्टर आहे त उनखे फरियाल टालपुर साहिबा जी सपोर्ट आहे पंहिंजो गनी साहब सईद गनी साहब इन जे करे मिनिस्टर आहे त उनखे फरियाल टालपुर साहिबा सपोर्ट करे थी सरदार शाह इन जे करे अॻिते आहे त उनखे फरियाल टालपुर साहिबा जी सपोर्ट अॼु त CM साहब ॾे मुकेश चावला इन जे करे मिनिस्टर आहे अॻिते आहे त उनखे मुराद अली शाह जी सपोर्ट आहे ईअं ई तैमूर टालपुर इन जे करे अॻिते आहे त मुराद अली शाह जी सपोर्ट आहे उहे बीबी साहिबा जा पार्टी जा पुराणा माण्हू वर्कर माण्हू सीनियर माण्हू उहे किथे आहिनि डॉक्टर साहब उहे नज़र ई कोन था अचनि जेके पार्टी लाइ कम था करनि इन धड़े में वञिणो पवंदो इन ग्रुप जो हिसो थींदो तॾहिं माण्हू खे वज़ारतूं मिलनि थियूं मीर साहब मां हिकिड़ी गुज़ारिश आहे तव्हांखे पार्टी में ज़रूरु जेको आहे तव्हां वारी ॻाल्हि सही आहे ज़रूरु माण्हू हर को जंहिंखे मिनिस्टर थियणो हूंदो आहे त उहो पंहिंजी कोशिशि कंदो आहे ऐं उहो या वरी जेको आहे पार्टी पाण ॾिसंदी आहे कुझु माण्हू पाण कोशिशि कंदा आहिनि कुझु कोशिशि न कंदा आहिनि माण्हू कंहिंखे चवंदा न आहिनि त असांखे वज़ीर कयो बाक़ी जहिड़े नमूने सां तव्हां इहे ॻाल्हि कयूं त इहे ग्रुप आहिनि मुंहिंजे ख़्याल में कोई ग्रुप कोन्हे हिकिड़ो ई ग्रुप आहे उहो आहे बिलावल साहब ऐं ज़रूरु थोरी घणी कंसल्टेशन तव्हां चवंदा हूंदा वे पर इहो मां तव्हांखे ॿुधाए छॾियां ऐं तव्हां इहा मुंहिंजो नोट करे छॾियो इहो हाणे पार्टी ज़रूरु इहा शइ ॾिसंदी आहे त कंहिं वक़्तु कहिड़े माण्हू खे किथे जेको आहे असांखे इस्तेमालु करिणो आहे ऐं उनजी कहिड़े वक़्तु केतिरी ज़रूरत आहे ईअं नाहे त ख़ुदा न ख़ासि जेकॾहिं को पार्टी में माण्हू आहे त फॉर एवर जेको उहो ॿाहिरि वेठो हूंदो खोड़ अहिड़ा माण्हू तव्हांखे पाण ख़बर आहे फ्रंट माना ओपनिंग बैट्समैन आहे उहो सॼी जेको आहे हिकिड़ो अहिड़ो वक़्तु बि हुयो त मां पाण असेंबली जे अंदरि असां ॾिसो तव्हां ॿियो छॾियो उवैस मुज़फ़र ॾिसो सॼो जेको असेंबली में सॼो कारवां ॿियो टियों फ्रंट फुट ते हो हाणे वरी बैक ते हलियो वियो मुख़्तलिफ़ वक़्तनि में मुख़्तलिफ़ माण्हू जेके आहिनि उहे पॉलिटिक्स में जेके आहिनि माण्हू जेके आहिनि उहे अॻे हूंदा आहिनि वरी वक़्त ते वरी कंहिं ॿिया हूंदा आहिनि
ऐं जॾहिं का अहिड़ी ज़रूरत हूंदी आहे पार्टी खे सम्झंदी आहे पार्टी त हे माण्हू हिन वक़्तु जेको आहे हे वधीक फिट आहे ऐं बहितर आहे ऐं असां बहितर अंदाज़ में डिलीवर करे सघूं था उहे पंहिंजा फ़ैसिला कनि। ईमानदारनि ॿुधायो, जेके माण्हू खटे कोन था थिए, जंहिंजे अंदरि नेप जे अंदरि इंक्वायरी, जेके ज़मानतुनि ते आहे, एजाज़ जखरणी साहबु इलेक्शन हारे आयो, नेप जा केस, ज़मानतूं, सभु कुझु, उनखे वज़ारत मिले थी। निसार खोड़ो साहबु इलेक्शन में हिकिड़ो चकर हार, ॿियो चकर हार, टियों चकर, सभु शइ तव्हांजे साम्हूं आहे। हाणे लाड़काणे में बि हार थिए, उनखे बि वज़ारत। जेके एम पी ए खटे था अचनि, उनखे नथियूं मिलनि वज़ारतूं। सो एम पी ए हिन वक़्तु असांजा 99 एम पी एस आहिनि, जेके मेल फीमेल मिलाए करे असां वटि सिर्फ़ु कानून जे अंदरि सिर्फ़ु असां 18 वज़ीर ठाहे सघूं था। त उन में असां 3 एडवाइज़र ठाहे सघूं था, ॿिया स्पेशल असिस्टेंट थी सघनि था। हाणे ॻाल्हि इहा त 99 त वज़ीर कोन थी सघंदा न, नेचुरली उन में पार्टी ॾिसे थी त कहिड़ो माण्हू सही आहे। ऐं ॿियो जीअं जहिड़े नमूने सां तव्हां इहा ॻाल्हि कई आहे एजाज़ ख़ान जखराणी साहिब जी या निसार खोड़े साहिब जी, तव्हां इलेक्शन में बि ॾिसो त उन्हनि सां ज़्यादती केॾी थी आहे। उन्हनि सां जहिड़े नमूने सां ज़्यादती थी आहे, पार्टी जो हर तरफ़ फोकस हूंदो आहे, पार्टी ॾिसंदी आहे त हिन माण्हू सां ज़्यादती थी आहे या हिन सां ज़ुल्म थियो आहे। निसार खोड़ो साहिबु असांजो सिंध जो सदर हो, ऐं उन कॾहिं बि तव्हां पाण ख़बर आहे त हिकिड़ो अहिड़ो टाइम हो त मीर मुर्तज़ा भुट्टो साहिबु बि अची उते इलेक्शन कॉन्टेस्ट कई, उतां निसार खोड़ो उतां बि माना इलेक्शन खटे वियो। ऐं वरी असांजी भेण आहे गनवा भुट्टो साहिबु आहे, उन उतां कॉन्टेस्ट कयो, उन टाइम ते बि खटे वई। टारगेट करे जहिड़े नमूने सां उन्हनि खे स्टेप डाउन कयो वियो त उहा पार्टी हिकिड़ी जेकी आहे हिन वक़्तु अहिड़ी आहे त वार वारी सूरत हाल आहे। ऐं ॼाणी वाणी जेके आहिनि, जेके जेन्युइन केसिस आहिनि, उहे बि असांखे ग़लति लॻनि था। इन जे करे त टारगेट करे असांजे पार्टी जा जेके आहिनि लीडर उन्हनि ते केस कया वञनि था। मां ॿुधायां तव्हांखे उन जे नतीजे में उनखे पार्टी त अञा पोइ सुठो हिकिड़ो कमु करे थी त बाबा तव्हां उन्हनि खे टारगेट कयो था। मां हिकिड़ी तव्हां ॻाल्हि ॿुधायां, तव्हां हिकिड़ो नंढिड़ो तव्हांखे मिसाल ॿुधायां। हे त हिकिड़ा करप्शन जा केसिस आहिनि मीर साहिबु। हिकिड़ो टाइम हो मां पाण इन असेंबली जो मेंबर हुउमि त हिकिड़ो एम क्यू एम जो मेंबर हो असां सां, नालो वठणु मुनासिबु नथो सम्झां, जेकाबाद में वॾे असले सां उहो पकड़ियो वियो, वॾे असले सां। ऐं उन माना बाक़ाइदे उन खे असलो पकड़ियो, पुलिस पकड़ियो, उन खे विद इन 24 आवर्स हिते हलफ़ खणायऊं उनजो वज़ीर जो। ऐं उहो आख़िर ताईं मुंहिंजे ख़्याल में उनखे पोर्टफोलियो बि न मिलियो, पर उनखे स्टेटस वज़ीर जो रहियो, हाणे फॉर एवर माना उहो एक्स मिनिस्टर लेखिबो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहिड़ो ग़लति कमु त न कयो। सर ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ थो अचां, इन ते वरी ॻाल्हाईंदुसि। ब्रेक जो टाइम थियो आहे, ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, टेलीफोन लाइन ते बिलाल अहमद साहब, पीटीआई के एमपी हैं, बड़े वोकल हैं, खुल के बात करते हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू साहब। और स्टूडियो में मोहतरम जनाब सीनियर रहनुमा हैं, पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर रह चुके हैं, डॉक्टर सोहराब खान सर की भी आपको सलाम कह रहे हैं। जी, मेरी तरफ से भी अस्सलाम वालेकुम। सर आज पंजाब के अंदर वो भी दिल का हॉस्पिटल जिस तरह हमला हुआ है, एक बड़ा अफसोसनाक, और हलाकतें भी हुई हैं, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। इम्तियाज साहब, ये जो इंसिडेंट हुआ इसका जितना भी कंडेम करें ये कम है, और मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये देखिए, लॉयर्स एक बहुत एक रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी है, एक अच्छी कम्युनिटी है, और इसका एक हमेशा एक पॉजिटिव रोल रहा है हमारी सोसाइटी से। तशद्दुद, अगर उनके कोई जेन्युइन डिमांड्स भी थे उस पर बातचीत चल रही थी, तो तशद्दुद करना ये तो कहीं भी है ना, इसको आप डिफेंड नहीं कर सकते। और इसको जिस तरह से इसको इंतशार फैलाया गया है, और इसमें जाने भी गई हैं, तो एक तो जिनको जाने गई हैं मैं उनका भी अफसोस करता हूं, और मैं कंडेम भी करता हूं, और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं कि जितने भी इदारे हैं, चाहे इसमें सुप्रीम कोर्ट है, चाहे प्राइम मिनिस्टर है, चाहे जो इसमें हमारे पंजाब की जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल हैं, इसकी इंक्वायरी करें, और जो भी इसमें इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर दूसरी चीज, आज जमानत हो गई आसिफ अली जरदारी साहब की, मेडिकल ग्राउंड्स पे जमानत हुई है, आज उनको रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे आपको? ये उनकी कानूनी हक था, उन्होंने आपकी तरफ नहीं आए,
वो इंसाफ की तरफ गए, आपसे भीख नहीं मांगी, उन्होंने इलाज के लिए अदालत की तरफ गए। और पीपल्स पार्टी कह रही है आसिफ जरदारी साहब सियासी मुकाबला करेंगे, और बिलावल साहब ने कहा है शिकारी अब आएगा और खिलाड़ी का शिकार करेगा, खिलाड़ी यानी कि इमरान खान। सर मैं बिलावल भुट्टो जो इनके पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है, आज जो उनकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, मुझे तो बड़ी हैरान हुई कि एक पार्टी के चेयरमैन किस तरीके से इमेच्योरिटी का वो उन्होंने एक प्रेजेंट किया अपने आप को। कह रहे आज हमको रिलीफ मिल गया और हमें को बड़े अर्थ पहले यही लोग है ना कोच पे, ये लोग कहते थे कि हमें कोच पे एतमाद नहीं है, हमें को हम है ना ये जो कोच आजाद नहीं है, नैब आजाद नहीं है, इदारे आजाद नहीं है, आज इनको रिलीफ मिल गया तो खुशियां मना रहे। और देखिए आसिफ अली जरदारी साहब बीमार है, उनको पहले भी कहा गया था कि आप कोर्ट में जाएं, उनको उनके फैमिली मेंबर्स ने, उनके करीबी साथियों ने कहा कि आप कोर्ट जाएं और आप जो है अगर आपको रिलीफ मिलता है तो ये कोर्ट ने रिलीफ दिया। इसमें हुकूमत तो है ना कोर्ट को डिक्टेट नहीं करती ना कि आप किसी को रिलीफ दें या ना दें। लेकिन जो पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने ये जो पिछले कुछ दिनों से ये एक ऑप्टिक्स किए थे कि पंजाब के वजीर आजम को तो है ना या रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन जो सिंध का जो सदर रह चुका है वो भाई वो सिंध के सदर नहीं रह चुके, वो पूरे पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं। ये जो तासुर दिया जा रहा था वो मेरे ख्याल में मुनासिब तासुर नहीं था, क्या वो कहना चाह रहे थे कि सिंध के साथ ज्यादती हो रही है। ये जो सिंध कार्ड कब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेलेगी मुझे ये नहीं समझ में आ। ठीक है सर, दो चीजें, चौधरी शुजात ने भी कहा के जरदारी साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, यह जो तासुर जा रहा है पंजाब और सिंध को इसको खत्म करना चाहिए आपकी हुकूमत, एक चीज। फैसल वाडा साहब ने भी कहा आसिफ जरदारी साहब को रिलीफ मिला, अगर नवाज शरीफ गए तो आसिफ अली जरदारी साहब क्यों, आपके लोग ही कह रहे थे वजीर। हेलो, हाँ जी सर, आपकी बात कट गई आपका। मैं चौधरी शुजात साहब ने भी कहा कि इसको फर्क को खत्म किया जाए, आसिफ जरदारी साहब को इलाज होना चाहिए जो पंजाब और सिंध का है। फैसल वाडा साहब ने भी कहा जरदारी साहब को रिलीफ मिलना चाहिए, नवाज शरीफ को मिला है जिस तरह वो बाहर गया, आपके लोग ही कह रहे थे। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि उन्होंने कोर्ट में अप्लाई किया, उन्होंने उनको मेडिकल ग्राउंड पे उनको मिल गई जमानत, और अब तो मैं ये समझता हूँ कि जितने और जेल में जो लोग हैं जो बीमार है वो सब कोर्ट को रुजू करें और सब जमानत हासिल करें मेडिकल ग्राउंड्स में। ठीक है सर, छा जवाब भी दो, बिलावल साहब चाहे तो ठीक है कोर्ट उनके दिनों आए हर शय थो आए, पर जो तासुर इदारन ते तनकीद के पे आज ता के इदारन का रिलीफ मिलो, तनकीद तो कौन कयूं पे हाने असन तो चलो या गाल कयूं पे ता फैसल वाडवा जी गाल कई, चौधरी शुजात जी गाल कई, सोहेल वड़ाइच वडो सीनियर एंकर पर्सन आ वडो पुरानो साफी आ उन जी ता वीडियो पर पैगाम बुदो हुंदो, असन तो या गाल न कयूं पे, पर जकडे या गाल एकडे मानू के सागे मामले में जकडे रिलीफ मिले बे के न मिले जानी वाणी कहीं भी बुनियाद से तो जाहिर उन तो क्वेश्चन असा छा, पर पांजी पार्टी वारा जेके भी 100% बिलाल भाई के खबर ना है, 100% जेके भी मानू अचन पे उहे इहा ही गाल करन पे तो नवाज शरीफ के जेके रिलीफ मिलियो आ तो आसिफ अली जरदारी के भी मिलनो खपे। सर फॉरवर्ड ब्लॉक पीपल्स पार्टी गवर्नर राज जी गाल थी, फॉरवर्ड ब्लॉक तैयार है न नेड़ी गाली कोने इनमेच्योर गालियों करन पे आ मां दिसां पियो जेके असन जो लीडर ऑफ द अपोजिशन आ उहे एड़े किस्म जो गालियों करन करे पियो, त हाणे तव्हां पाण ॿुधो चए तव्हां फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहियो, तव्हां अचो सभु वज़ारतूं तव्हां खणो, चीफ मिनिस्टर तव्हां खणो वञी करे, इहा जेकी आहे न इहा माना सफ़ा जेकी फ्रस्ट्रेशन वारी जेकी सूरत हाल हूंदी आहे न तमामु माना हिकिड़ो जेको आहे न तमामु हेठी सतह ते मां पाण डॉक्टर आहियां, डिप्रेशन में जेको माण्हू हूंदो आहे न उहो अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि इहा इहा का जमहूरी ॻाल्हि त पर इन हाउस तव्हां चयो था इमरान खान जे लाइ इन हाउस हुननि जो बि हक़ आहे ॾिसो सिंध जे अंदरि मीर साहिबु असां इन हाउस ईअं चऊं था त उते कोलिशन ॿिया जेके पार्टनर्स आहिनि उन्हनि जे लाइ चऊं था फॉरवर्ड ब्लॉक न फॉरवर्ड ब्लॉक त हिकिड़ो माना ख़रीदो फ़रोख थी ख़रीदो गैर क़ानूनी ॻाल्हि आहे न गैर अख़लाक़ी ॻाल्हि आहे गैर क़ानूनी ॻाल्हि आहे ऐं उन में फॉरवर्ड ब्लॉक ठाहिण जा जेके जेके तरीक़ा आहिनि उहो तव्हां ख़बर आहे त या त माण्हू कनि ते तमामु घणो प्रेशर विझे ऐं माना एतिरो थिए जो माना उहो का माना ईअं का उहो माना उहा सख़्ती बर्दाश्त न करे सघे, हिकिड़ो इहो तरीक़ो हूंदो आहे। ॿियो तरीक़ो ईंदो आहे त माण्हू खे लालच ॾिनी वञे
वज़ारत जी लालच ॾिनी वञे। इहे ॿ चारि तरीक़ा आहिनि उहे, ऐं उहे जेके तरीक़ा हुया उहे ऑलरेडी अॻे हुया। सीएम साहब नाकाम वियो आहे हिन वक़्तु। उहो जेको माना अॻे जेको तरीक़ो हुयो फॉरवर्ड ब्लॉक जो या जेको करण जो, मुंहिंजे ख़्याल में जंहिंखे आइन जी ख़बर आहे त हिन वक़्तु गुंजाइश न आहे हिन शइ जी, गुंजाइश आहे ई कोन। साज़िश थिए थी पीपल्स पार्टी चए थी, क़यादत चए थी, सीएम साहब चए थो, साज़िश थिए थी। उहा हाणे कोशिशि करनि पिया माण्हुनि सां ज़रूरु अप्रोच करनि था, कोशिशि करनि था, या ऑफर ॾियनि था, तव्हां वञी करे तव्हां वज़ारतूं बि तव्हां ठाहियो, चीफ मिनिस्टर बि तव्हां खणो, ऐं उहो बिल्कुलु हिननि इहा हथुल इम्कान कोशिशि कई आहे। मां सम्झां थो इहो ग़ैर जमूरी तरीक़ो आहे, इहो हिननि खे इहो न करणु खपे। असां जॾहिं मर्कज़ में जेकॾहिं ॻाल्हि कयूं था न, उहा इहा इन जे करे कयूं था त उते कोलिशन गवर्नमेंट आहे, ऐं उते जेके मिसाल इतादी नाराज़ आहिनि, उन में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। बाक़ी हाणे उते वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जी ॻाल्हि कयूं था, उते जेकॾहिं ईअं ई जीअं असांजी अक्सरियत आहे, जेकॾहिं मर्कज़ में उते पीटीआई जी हुकूमत हुजे त शायदि असां इहा डिमांड न कयूं हा। ठीकु आहे सर, क्या कहेंगे आप? आप जो गैर जमहूरी का आप लोगों से राब्ते कर रहे हैं गवर्नर राज के लिए, फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए, क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जब हमारे इत्यादियों की इस्लामाबाद में मीटिंग होती है तो पैनिक आता है पीपल्स पार्टी में, और इनके जो दो स्पोक्समैन हैं और जो इनके जो सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स हैं वो टीवी पे आके मीडिया पे आके बरस पड़ते हैं और अपनी फ्रस्ट्रेशन और पैनिक शो करते हैं। उनको भाई, वो हमारे इत्यादी हैं इस्लामाबाद में, अगर हमने प्राइम मिनिस्टर सारे इत्यादियों को बुला के अगर सिंध की सिचुएशन पे डिस्कस कर रहे हैं तो इनको पैनिक होने की क्या जरूरत है? मुझे तो समझ ही नहीं आता ये क्यों पैनिक होते हैं। इत्यादी है, इत्यादियों को साथ लेके चलते हैं, उस पर भी इनको है ना इतराज है। दूसरी बात, मैं थोड़ा आपसे एक भाई है मेरे, आप जूनियर है, मैं एक छोटा सा मतलब सिर्फ आप मेरे सीनियर है और मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूं। नहीं बस ये मैं पार्टी के कुछ अच्छे लोगों में हमारे डॉक्टर साहब की है जो पीपल्स पार्टी के, बिलाल भाई मैं नहीं नहीं मैं काफी सीखता हूं, आपकी तारीफ कर रहा हूं। मतलब जो जिस तरह आप स्टेटमेंट दे रहे हैं ना, अच्छी बात करते हैं आप, बिल्कुल वो एक अच्छी बात कह रहे हैं कि भाई हमारी मुलाकात होती है, सिर्फ मुलाकात की हद तक हो ना। आपके जो इनमेच्योर जो है जो सियासतदान, वो आकर इस पे बड़ा स्टेटमेंट ठोक देते हैं गवर्नर राज। सर मैं आपका, हाँ मैं स्टेटमेंट आपका फिरदौस साहब, सर फिरदौस साहब मैं आपको दो तीन चीजें बताऊं। देखिए, जब इनके चेयरमैन साहब सिंध असेंबली में आए थे और उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग कॉल की थी तो खुद सईद गनी साहब ने टीवी पे आके कहा था कि जो हमारे चेयरमैन साहब हैं वो बुजुर्ग से खुश नहीं है और हमारी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। और उनके ये तो सबको पता है कि है ना, मुराद अली शाह साहब अगर कल अरेस्ट होते हैं क्योंकि फेक अकाउंट केस में मेन कल्प्रिट तो वही है, जो थट्टा शुगर मिल्स का केस है या जो ओमनी ग्रुप का केस है उसमें मेन कल्प्रिट तो ये आपके मुराद अली शाह साहब है। तो तीन तो है ना उम्मीदवार हमें पता है कि जो अगले चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश है सर, मेरी ख्वाहिश नहीं है, ये मैं आपको ख्वाहिशों में बता रहा हूं, चेंज नहीं होता। तीन लोग हैं जो है ना चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशात में हैं और आप बहुत से लोग हैं जो नाराज बैठे हुए पीपल्स पार्टी में। बिलाल साहब आपकी देने की लालच दी जा रही है। बाकी हमारे पास जो देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कोई गैर जमहूरी अमल में साथ नहीं होगा, जो आईन जो रूल्स कहते हैं उसको फॉलो करेंगे और आपका गवर्नर रूल भी आईन में उसकी कंडीशंस है, अगर हम उस कंडीशंस को फुलफिल होते हैं तो ये कहना कि गवर्नर रूल गैर आईनी है, लेकिन गवर्नर रूल की प्रोविजन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद है। आप मुझे आखिरी जवाब का हां ना में, फिरदौस शमीम साहब ने कहा आप कह रहा था फॉरवर्ड ब्लॉक भी तैयार है और गवर्नर राज भी लग सकता है, एक मौकिफ उनका। गवर्नर साहब कह रहे हैं कि नहीं, कोई इरादा नहीं है किसी हवाले से गवर्नर राज का। आप किसके स्टेटमेंट के साथ हैं? फिरदौस साहब के, गवर्नर साहब? मैं आपको ये इसका जवाब ये देता हूं कि पॉलिटिक्स में तमाम पॉसिबिलिटीज जो है वो हो सकती है और कुछ ना कभी भी कुछ हो सकता है, तो इसमें प्रेडिक्शंस कभी सही भी होती हैं, कभी एनालिसिस सही भी होते हैं, लेकिन सरप्राइजेस के लिए हमेशा पॉलिटिक्स में रेडी होना चाहिए। सर आपको परेशानी क्या है सिंध गवर्नमेंट से, सीएम से? पंजाब में आपकी गवर्नमेंट है नाकाम, खैबर पख्तून में आपकी गवर्नमेंट है नाकाम, बलोचिस्तान आपके सामने नाकाम, सिंध के पीछे क्यों पड़े? इम्तियाज भाई, मैं तो आपके ये जो एक आपने रनिंग कमेंट दे दिया कि केपी के में नाकाम, बलोचिस्तान में नाकाम, आप ये भी कहें कि सिंध में 12 साल से नाकाम, सर आप पूरे मुल्क में नाकाम, पीपल्स पार्टी 12 साल से नाकाम है। हम उनको कहते हैं आप अपनी बड़ी मेहरबानी करें, बड़ी मेहरबानी,
बड़ी मेहरबानी सर, तव्हांजी वॾी महिरबानी सर, इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।